साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज बात करेंगे दुबई से रिलेटेड। कुछ मेरे पास वैकेंसीज व्हाट्सएप पे आती रहती हैं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। अब भाई देखिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं फलाना ढिमका, जितना लोगों का जितना दिमाग होता है उतनी ही बातें करेंगे। अब कमेंट तो हालांकि बहुत सारे तरीके के आते हैं, मैं अभी अब उन लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बता दूं कि मेरे पास जो वैकेंसी मेरे मोबाइल पे आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। आपको कॉन्टेक्ट नंबर जिनको चाहिए होता है मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करके मैं नंबर भी देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मेरा काम सिर्फ आप लोगों तक इंक्वायरी पहुंचाना है, उसके बाद वीडियो देखो उसमें आपको क्या लगता है कि आपके लायक जॉब है, आप इसके लायक हो या आपके लायक ये जॉब नहीं है, या आपकी क्वालिटी थोड़ी ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग आप जॉब देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं अपन के अपने लायक ये जॉब है, इस जॉब में अपन सर्टिफाइड हैं कि भाई ठीक है मैं इस जॉब में एलिजिबल हूँ, मैं कर लूंगा ये जॉब, मुझे इतनी सैलरी में मैं संतुष्ट हूँ, तो आप इसमें फिर अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट नंबर लेके आपकी बात हो जाती है, आपको संतुष्टि हो जाती है कि चलो अपन ये जॉब में कले, तो आप इसमें अप्लाई आराम से कर सकते हैं भैया। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बता दूं वैकेंसी के बारे में, दुबई से रिलेटेड बात करूंगा। डायरेक्ट मैन पावर ऑफिस, भाई इंडिया का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, मैं दुबई डायरेक्ट मैन पावर ऑफिस का नंबर आपको दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना काम करवा सकते हैं। मैं कुछ बता दूं आपको, इसमें क्लीनर्स मांगे हैं। जी हाँ साथियों, क्लीनर समझ गए, जो साफ सफाई का काम करते हैं। कहाँ कहाँ करेंगे? सुपरमार्केट में हो गया, सुपरमार्केट ही लिखा है इसमें, ओनली फॉर सुपरमार्केट, जो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह होते हैं उसमें पॉपुलेशन आती जाती, दिन में हजारों आदमी आते हैं जाते हैं, तो जो फर्श होता है वो खराब होता है ना, उसको साफ करने का काम है, समझ गए बात को। उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कहाँ रहेगा? शारजा, अजमान, दुबई, ये तीन चार जगह का है, तो इसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, साफ सफाई का काम रहेगा इसमें। मैं वहां पे एक वीडियो भी बनाया था, मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो डाल दूं कि किस तरह से सफाई वहां पे होती है। भाई इंडियन की तरह नहीं है कि बाल्टी लिया पोचा लगा रहे अपन मार्बल पे, ऐसा नहीं है, मशीनों से होती है साफ सफाई, वहां की साफ सफाई भी बहुत इजी तरीके से होती है। अब सैलरी की बात करें तो भाई आपको पता है जैसी कैटेगरी है वैसे अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। इसमें भी लोग बोलते हैं 1500 मिल जाए 1400 मिल जाए, नहीं भाई, दुबई में सैलरी 1000 AED मिलेगी आपको। AED का मतलब सऊदी दरा दुबई दराम मिलेगी आपको 1000, इसी में आपका खाना भी शामिल है। ये मान के चलिए 20,000 तक आप कमा सकते हैं, ये मान लीजिए 20,000 तक कमा सकते हैं, ये सैलरी है। 8 घंटे ड्यूटी प्लस आपका ओवर टाइम मिलेगा, वो अलग से रहेगा। ठीक है, और इसमें फ्राइडे की आपको पता है भाई दुबई में छुट्टी होती है फ्राइडे की, अगर फ्राइडे को काम करते हो तो वो अलग से हो जाता है, या फिर ये होता है कि 8 घंटे की ड्यूटी है, 4 घंटे में आपका काम फिनिश हो गया, तो ये आपका बेनिफिट हो जाता है। इसमें फ्री अकोमोडेशन मिलेगा, अगर अगर कंपनी आपको किधर इधर उधर लेके जाती है तो वो कंपनी की तरफ से रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन आपको कंपनी की तरफ से रहना और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, खाना खुद का रहेगा, बर्तन भांडे गैस वगैरह कंपनियां अवेलेबल करवा देती हैं, बनाओ और खाओ। इसमें मान के चलिए 150-200 दराम सिर्फ सरोटी सब्जी अगर आप खाते हो तो लग जाते हैं, और भाई बड़े बड़े पकवान खाओगे तो उसके तो ये 1000 दराम उसी में खर्च हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मोटा मोटी बात करें तो 20,000 रुपये ही बचेंगे 8-10 घंटे, 10 घंटे अगर आप ड्यूटी करते हैं तो। अब इसमें वीजा बता दूं, विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा है ये, विजिट क्योंकि मैं बता दूं साथियों कि इंडिया में खास तौर से हमारे राजस्थान में तो भाई ऐसी जॉब नहीं आती है, 99% लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जॉब आती है। मेरे मोबाइल में रोज के 50 मैसेज आते हैं दुबई से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन उसमें यहाँ इंटरव्यू देके आपको जाना होता है। अगर आप इस तरह की जॉब लेना चाहते हो तो विजिट ही एकमात्र ऑप्शन होता है, कि आप विजिट में जाके वहां परमिट अपना लगवा सकते हैं। और दुबई में आप सबको पता है भैया कि 3 महीने के वीजे में अगर आप जाते हो तो वीजा आराम से लग जाता है, वहां वीजा की प्रॉब्लम नहीं आती है। एजेंट वहां आपके साथ कुछ गलत सलत कर लेते हैं, या जितनी तनख्वाह बताई वो ये वो उसमें हो सकता है, बाकी वीजा की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कुल मिला के 20,000 सैलरी, 10 घंटे ड्यूटी तक आप कर लेते हो, वैसे 1000 रुपये सैलरी है इसमें। ठीक है, और रहना आपको मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, खाना आपका खुद का रहेगा और विजिट टू एम्प्लॉयमेंट रहेगा। ये बातें मैंने बता दी, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह वो लेबर लॉ के हिसाब से होता है, आप सब लोगों को पता ही है। इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको नंबर डायरेक्ट मैन पावर के नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट कॉल करें, सब बातें पूछ लें, आपको अच्छा लगे यहाँ से दिल गवाही दे तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि भाई दुबई में जो मैन पावर होते हैं लाइसेंस लेके बैठे हैं,
तो वहां पे चीटिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता, इंडिया की एक अलग बात होती है। तो जितनी जानकारी थी मैंने दे दी, अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप पे मेरे से कॉन्टेक्ट नंबर लेके आप बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन के जो बटन उसको दबा लें, ताकि हर रोज नए टॉपिक पे अवेयरनेस जॉब से रिलेटेड आपके पास वीडियो आते रहे, जिससे आप धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सके। जय हिंद।